यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं मान लेते हैं कि ये हो गया रूम तो रूम के अंदर क्या होता है वाल होता है रूम के अंदर वाल आ जाता है ठीक है रूम के अंदर वाल आ जाता है और वाल के बीचों बीच क्या होता है विंडो होता है वाल के बीचों बीच क्या होता है विंडो मतलब कि ये वाला जो है बड़ा वाला जो है ये बड़ा वाला सर्किल आपका रूम को रिप्रेजेंट करता है ठीक है बड़ा वाला जो सर्कल है ये आपका रूम को रिप्रेजेंट करता है फिर उसके अंदर जो एक सर्कल बना हुआ है वो वाल मतलब कि रूम के अंदर वाल होता है ठीक है फिर वाल में से वाल के बीचों बीच क्या होता है विंडो होता है हम्म तो विंडो ये वाला जो है ये वाला आपका विंडो है ये वाला आपका हो गया विंडो मतलब कि ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बेस्ट डायग्राम होगा जो कि रूम वॉल एंड विंडो को रिप्रेजेंट करेगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर थैंक यू क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर